आज मम्मी को सरप्राइज दूंगा, आज आ गया खेत में। जी हाँ, हमारे जोगिंदर भाई जो काम डेली पेंट के अंदर करते हैं वही आज आकर खेत में करेंगे, इसलिए ये बात मम्मी जी के लिए आश्चर्य करने वाली, बोले तो सरप्राइज हो गया। आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पर भी फल फूल रही है। जी हाँ प्यारे देशवासियों, आज के हमारे मेहमान है थारा भाई जोगिंदर। नहीं 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 नहीं, जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। थारा भाई जोगिंदर फेसबुक पर बहुत ज्यादा फेमस है, और फेसबुक पर फेमस होने का मतलब तुम समझ गए होंगे, जब इनके ऊपर कोई भी रोस्ट वीडियो बनता है तो ये भी गाड़ी में बैठ के धमकिया देते हैं। और गाड़ी से याद है कुछ हेटर्स, मैं नहीं बोल रहा, देख लो मैं नहीं बोल रहा, कुछ हेटर्स बोल रहे कि जोगिंदर भाई ने डोनेशन के पैसों से गाड़ी खरीदी। अब ये बात मैंने तो बिल्कुल बोली नहीं है। आगे इस वीडियो में हम जोगिंदर भाई के तड़कते भड़कते टैलेंट को देखेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे इनके ब्रेकअप सॉन्ग के बारे में जो कि इन्होंने 7 महीने पहले बनाया था। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूं, जोगिंदर भाई का गाना भी आ चुका है। लास्ट वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं गए थे क्योंकि उस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था और उसके कारण वीडियो मुझे प्राइवेट करना पड़ा, तो वो सारी चीजें तो चलती रहेगी। और हम बात करते हैं अब जोगिंदर भाई के कंटेंट के बारे में, तो यार लगा लो अपने कानों में महंगे वाले ईयरफोन और शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई पेपर आने वाले हैं और मैंने एक दिन भी बुक खोल के नहीं देखी पूरे लॉकडाउन के अंदर। जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतनी चिटिंग मारेगा पेपर में, इतनी फर्री ले आएगा भर भर के, किसी ने सोची ना होगी, क्योंकि स्कूल के स्टाफ का पेमेंट तो राजकुमार जी के जेब के खर्चे से ही चलता है। हाँ, ये राजकुमार स्कूल में फर्रे लेके जाएगा और एग्जाम में नकल करेगा, तो ये जब एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो टीचर्स बोलेंगे यो थारा भाई जोगिंदर जी आ गए, इनको नकल करवाओ, साले पन्ना पुनी लेके मत चले जाए, वरना टीचर सीट को इतना ज्यादा लाल कर देंगे कि आप बैठ नहीं पाओगे। भाई वीडियो बनाने के लिए आया था, ये खंबा दिख गया, इस खंबे को मैं बेचना चाहता हूँ 50 रुपए में, अगर किसी को खरीदना हो तो मैसेज कर दे रहा हूँ। जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतने सारे खंबे पाड़ पाड़ के बेच देगा, खेत के मालिक ने सोची ना होगी। यस क्यूटीज, ये है हमारे पार्ट टाइम सेलिब्रिटी और फुल टाइम खंबा चोर, इनका मेन बिजनेस यही है, लोगों के खेतों में जाते हैं वीडियो बनाने के लिए और वहाँ पे अगर कोई खंबा दिख जाता तो उसको चोरी करके बेच देते हैं। देखो भाई, चोर का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इन्होंने डोनेशन के नाम पे करोड़ों को स्कैम किया, अरे यार मैं ऐसी चीजें तो बोलते नहीं, जोगिंदर भाई तो बहुत अच्छे हैं। गलती जोगिंदर भाई की नहीं है, गलती तो उन लोगों की जिन्होंने अकाउंट में पैसे डाले थे, जोगिंदर भाई ने तो बस ले ली। और हमारे जोगिंदर भाई तो इतने अच्छे कि उन 2.5 करोड़ रुपए के लिए पूरे 6 वीडियो बना दिए, 2 फेसबुक पर, 2 इंस्टाग्राम पे और 2 यूट्यूब पर, क्योंकि सफाई देना भी जरूरी है और सफाई में जोगिंदर भाई ने बोल दिया 7-8 लाख रुपए तो इनके होटल का खर्चा हो गया था। और ये बात मैं नहीं, जोगिंदर भाई की टीम बोल रही है और जोगिंदर भाई खुद बोल रहे हैं। पाँच सात लाख रूपए टोटल तेल पानी खाना खर्चा इधर हुआ भी है, जो भी कुछ हुआ था खर्चा, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ था जिसको लेकर बवाल हो रहा था। हाँ भाई, बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 5-7 लाख रुपए का इनके खाने खर्चे में खर्च हो गया, बाकी पैसे इन्होंने दे दिए, बस थोड़ा सा 5-7 लाख रुपए। खैर यार, हम कौन होते हैं किसी को स्कैमर बोलने वाले, हम बात करते हैं जोगिंदर भैया के कंटेंट के बारे में। जोगिंदर भैया जहाँ पे भी जाते हैं कंटेंट बना लेते हैं, चाहे वो खेत में जाए चाहे नानी के घर में। लो भाई, रील्स की वीडियो बनाने के लिए आ गए खेत के अंदर। हाँ भाई, मेहनत तो बहुत लगती होगी ना आपको रील बनाने के लिए, खेत में जाना पड़ता होगा, डब्बा भर के साथ में पानी भी ले जाना होता होगा और जोर करके रील भी निकालनी होती होगी। चल, अब जैसा कि तुम लोगों को पता होगा एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक ऐसे तालाब के बारे में जहाँ पे तो सारी मछली खराब है। जी हाँ, यो थारा भाई जोगिंदर के कजन ब्रदर्स। भाई ये सारे के सारे मामा और मौसी के लड़के हैं, ये मेरी गैंग है। यो जोगिंदर, मजा आ गया। हाँ भाई, मजा तो बाहर ही खड़ा था, जैसे तेरा वीडियो देखा वो बोला मैं तो अंदर आऊंगा और वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया। और भाई बार बार ये छाती पीटने की क्या जरूरत है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन अगर मैं आपकी छाती होती ना तो आपका शरीर छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती, क्योंकि रोज पीटने में क्या ही फायदा है। खैर, कुछ दिन पहले ही हमारे जोगिंदर भाई का जन्म उत्सव था, तो उन्होंने बोला मेरे जन्मदिन के उपलक्ष में तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो इनके कजिन ब्रदर्स में से कोई बीड़ी मांग रहा है तो कोई दारू। हाँ सच्ची में भाई, आज मेरा बर्थडे है, आज पार्टी होगी रात को, पार्टी क्या चाहिए तेरे को पार्टी में? यो हिमांशु, थारा भाई हिमांशु 2 बीड़ी का बंडल पी जाएगा आज। बेटा बीड़ी के बंडल जितना तुम्हारा वजन और बातें कर रहे हो, 2-2 बंडल पीने की, जिस उम्र में तुम बीड़ी पीने की बातें करते हो ना, लोग बीड़ी के बारे में जानते ही नहीं है। तो बेटा हिमांशु, आई मीन टू से यो बेटा हिमांशु, शांति बनाए रखो। खैर ये तो बीड़ी मांग रहा, एक तो भाई दारू की बातें कर रहा है, मैं तो दारू पीऊंगा। थारा भाई ऋतिक आज 3 बियर पिएगा। अच्छा। मुली निन्नी मुन्नी बियर तुझे पी जाएगी, बातें तो ऐसे कर रहे जैसे बियर में अल्कोहल नहीं बोनविट आता है। 3 बियर पियूंगे, अगर एक तराजू को लेकर एक साइड में तुझे और दूसरी साइड में बियर रख दी जाए ना, तो बियर का भार तेरे से ज्यादा होगा, हो सकता है साइज भी। तो अपनी अपनी सेहत के हिसाब से प्लीज, अपनी सेहत के हिसाब से बात करो। 2-1 थारा भाई जोगिंदर ये मजबूर है पर आप भाई छींक आ गई, छींक रहा था। लाइक करो, फॉलो करो।
बस इसी हाई क्वालिटी के कंटेंट को देखने के लिए तो मैंने अपने इंटरनेट के बिल पे किए थे। मतलब बंदे को छींक आ रही और रील बना के बोल भी दिया लाइक करो फॉलो करो। हाँ भाई तेरी छींक है तो दीवाने लोग, तेरी छींक को देख कर तो लड़कियां फ्लैट हो जाती। ओहो थारा भाई जोगिंदर ने छींका है, अब तो लाइक एंड फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक लीटर पेट्रोल का 100 रुपए लग रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा इस देश में 1 GB इंटरनेट के भी 100 रुपए लगने चाहिए, फिर थारा भाई जोगिंदर छींक नहीं पाएगा। बेसिकली इस बंदे का कंटेंट ये छाती पीटना और लोगों को लाइक फॉलो के लिए बोलते रहना। वैसे वो तो मैं भी करता हूँ। ये फंस गया सी है भाई, नाई की दुकान पे गया था आज बाल कटवाने के लिए, वहाँ से कंघा उड़ा लाया चुपचाप। हाँ भाई तू तो सकल से भी कंगा चोरी लगता है। भाई अपने करियर के बारे में इंस्टाग्राम रील्स पे क्यों डिस्कस कर रहा है? ये वो बंदा जो कुछ भी करके इंटरनेट पे आके बोलता रहता है, कल को ये हगने जाएगा। आज थारा भाई जोगिंदर टट्टी करके आया। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दो, यो थारा भाई जोगिंदर की फाइट दीपक कलाल से भी हो रखी है, क्योंकि दीपक कलाल ने उसको फ्रॉड वाले मैटर में बात कर दी थी। थारा भाई जोगिंदर ने हरियाणा को सबक सिखाया, मीठी मीठी बातें की, और वो जो जुद्राक्ष है उसके 2.5 करोड़ खा गया। इसके बाद हमारे जोगिंदर भाई ने भी गाड़ी में बैठकर गैंगस्टर बनने वाले इन्फ्लुएंसर की तरह दीपक कलाल के साथ लाइव आके खुद की बेइज्जती करवा ली। हैंग कर दूंगा। अरे लेकिन मुझे एक बात बता, तेरा तो मोबाइल हैंग हो जाता है क्योंकि तेरा रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो जब तेरा मोबाइल ही हैंग हो जाता है तो तू सिस्टम कैसे हैंग करेगा? म्यूजिक। तुम लोगों को जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, हमारे जोगिंदर भाई का सपना बिग बॉस में जाने का है, और मैं भी मानता हूँ हमारे जोगिंदर भाई में सारे के सारे लक्षण वही है जो कि एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट में होते हैं। और इसके लिए हमारे जोगिंदर भाई ने 4-5 यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखे और 2-4 फेसबुक पर लाइव भी कर रखी है। बिग बॉस के लिए बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, बिग बॉस 15 स्टार्ट होने वाला है। सलमान खान भाई ने थारा भाई जोगिंदर को इन्वाइट ही नहीं किया। मैंने कब बोल दिया कि सलमान खान भाईजान ने मेरे को इन्वाइट किया है? पब्लिक भेजेगी सपोर्ट से। पहली बात तो सलमान की इतनी चाटने की क्या जरूरत है, सलमान खान भाई जान। और कौन से पब्लिक सपोर्ट की बातें कर रहा है, कमेंट सेक्शन में तो ये आ रहा है उन बेचारों का बस चले तो तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दे, वो भी मेरा भी बस नहीं चलता, ये बातें तो ना करे तो सही है। तो अब हमने सारी बातें देख ली है तो हम अब जोगिंदर भाई के गाने देखेंगे। जी हाँ, इन्होंने गाने भी बना रखे हैं। गाने का नाम है 2 घूंट मार ले हुक्के की। हमारे जोगिंदर भाई का ब्रेकअप हो रखा है। पहली बात तो बावलो भांग की गोली खा के सॉन्ग लिखना बंद करो, हुक्के की घूंट नहीं मारी जाती, हुक्के से स्मोकिंग होती है। गाना तो मैं प्ले नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें कहानी बता दूंगा, क्योंकि कॉपीराइट आने के कारण मेरे वीडियो पे एड लोग चलाते हैं। तो गाने की कहानी कुछ इस प्रकार है, हमारे जोगिंदर भाई बगीचे में पंकज उदास की तरह मुरझाए हुए फूल की तरह बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी बंदी किसी और के साथ सेट हो गई, और इसका दुख मनाने के चक्कर में वो अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं। तो दोस्त उसको बोलते हैं बेटा बीड़ी पी ले, हुक्का पी ले, लेकिन उसको भूल जाए क्योंकि वो तेरे हाथ नहीं आएगी। और यही सब कुछ पूरे गाने में चलता रहता है, और लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी बंदी किसी और के साथ बैठी रहती है। जो नया बॉयफ्रेंड होता है उसको पीटने लगता है, तो हमारे जोगिंदर भाई हीरो की तरह जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। जैसे हीरोइन वापस उसके पास आने लगती है तो जोगिंदर भाई बोलते हैं चाल चाल थारा भाई जोगिंदर, अब बॉयफ्रेंड नहीं थारा भाई जोगिंदर, और इसी के साथ ये क्रिंजी सॉन्ग खत्म हो जाता है। तो वैसे हमारे जोगिंदर भाई ने बहुत सारे गाने बना रखे हैं, और मैं इतना लंबा प्रोजेक्ट काइन मास्टर में ले नहीं सकता। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक हो जाते हैं तो फिर मैं जोगिंदर भाई के गानों पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में करना, और हाँ अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही सोशल मीडिया की लिंक मैंने इंस्टाग्राम ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो जाके फॉलो कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय क्यूटीज़।